Have you spoken to anybody? Have you spoken to Matthew after school? Which camera? Anyone? Okay. Look at me. I think it's कहने का ये कहानी काफी evident है from the fact with all the write-ups and all the controversy built up that कहने का ये कहानी महेश भट्ट और प्रवीण भाभी की real life पर आधारित है but let me remind you also is that it's a fictionalized story it is my interpretation or of वो लम्हे जो उन्होंने साथ गुजारे हैं क्योंकि मैं ऐसी पिक्चर बनाना चाहता हूँ विच इज़ नॉट स्पेसिफिक ओनली टू मिस्टर महेश भट्ट एंड प्रवीण भाभी इट्स अ कहानी विच इज़ एप्लीकेबल टू एवरीबडी देखिए मेरा मानना ये है कि कोई भी फिल्म मेकर इतना टैलेंटेड नहीं होता जो एक कम्प्लीटली ओरिजिनल कहानी बना सकता है कहीं ना कहीं हम किताबों से लिटरेचर से फॉरेन डीवीडी से या अपनी रियल लाइफ से जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे बेस करते हुए कहानी लिखते हैं ये कहानी जो है मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन उस दिन मिला व्हेन प्रवीण भाभी पास्ड अवे एंड आई सॉ मिस्टर भट्ट स्टैंडिंग एट हर जनाजा जो उन्हें बरी करने जा रहे थे मुझे याद है कि इंडस्ट्री के वो कोई भी लोग नहीं थे जो कहते थे कि वो प्रवीण भाभी के वेलविशर्स है या उनके चाहने वाले हैं चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो या डायरेक्टर्स हो या कोई भी एक्टर हो कोई वहाँ प्रेजेंट नहीं था शायद सिर्फ कबीर बेदी और डैनी डिंजोपा के सिवा और कोई नहीं था शायद और सच पूछो तो बात ये माना जाता था कि उस वक्त जब प्रवीण भाभी और महेश भट्ट का रिलेशनशिप चल रहा था लोगों को लगा था कि महेश भट्ट हैड यूज्ड हर टू गेट वेयर ही वांटेड टू डू ही हैड यूज्ड हर एज अ स्टेयरवे टू सक्सेस और फैक्ट ये है कि आज महेश भट्ट एक स्टार है एक बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे फिल्म मेकिंग हाउस है और प्रवीण भाभी एक लावारिस लाश बन गई थी उस दिन एंड ही वॉज दी ओनली पर्सन स्टैंडिंग बाय देयर giving her due rights mujhe laga tha ki I realized that you know someone who had used her would not be standing there by her grave after relationship had ended 20 years back to kahin na kahin mujhe laga ki ye kahani mujhe banani hai maine unko force kiya ye kahani mujhe banani hai unhone kaha ki unko ye kahani nahi bolni hai fir maine ek writer ka istemal kiya who forced him to go down that lane and ये टेप्स की डिस्कवरी के बाद आई थिंक फाइनली नाउ वी गॉट अ फिल्म विच इज़ फिक्शनलाइज्ड इट्स नॉट बेस्ड ऑन ट्रू टू लाइफ बट इट्स बेस्ड ऑन ट्रू कैरेक्टर्स गाने के बारे में बताइए कैरेक्टर्स कैसे कास्ट किए गए देखिए परवीन भाभी जो सिनेमा करती थी वो बहुत ही अलग है जो मैं सिनेमा करता हूँ टू बी ऑनेस्ट शी वॉज मेकिंग फिल्म लाइक शान एंड अमर अकबर एंथनी है सफ फिल्म्स आई रियली लाइक बट नॉट फिल्म्स आई रियली मेक और आई थिंक शी इज़ अ वेरी अडोरेबल पर्सन आई डोंट थिंक शी इज़ द बेस्ट ऑफ एक्ट्रेस एक्चुअली बट मुझे लगता है वो शी इज़ अ ब्यूटिफुल वूमन है और देखिए आई एम नॉट मेरी कहानी जो है इट्स नॉट परवीन भाभी अ स्टार इट्स परवीन भाभी अ ह्यूमन बींग दैट्स वॉट माई फिल्म इज़ बेस्ड ऑन इट्स नॉट परवीन भाभी ऑन द सेट ऑफ अमर अकबर एंथनी और शान इट्स परवीन भाभी इन द हाउस विद महेश भट्ट आई नो सच पूछो तो हम सभी कुछ अलग ही लोग होते हैं जब हम अपने लव्ड वंस के साथ एक कमरे के अंदर होते हैं वी टॉक लाइक कंप्लीट रिटार्ड्स हम वी टॉक लाइक किड्स वी आर इनसिक्योर पीपल वी आर फूलिश पीपल एंड आई थिंक दोज आर द मोमेंट्स दैट आई वांटेड टू कैप्चर आई डोंट वांट टू प्रोजेक्ट बिकॉज द फैक्ट इज एवरी देयर इज अ टेंडेंसी टू बिलीव कि एक औरत जो एक स्टार है शी हैज़ अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड हर दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल शी कैन गेट व्हाट शी वांट्स इन लाइफ पर सच पूछो तो दे आर एज लोनली एज वी आर And I think that's what I tried. In fact, not lonely, maybe lonelier. And that's what I tried to capture in this. Film ke gaane jo hain wo bahut mashhoor ho gaye hain. So unke baare mein aapka kya kehna hai music? देखिए मेरी हर पिक्चर का म्यूजिक हिट हुआ है द फैक्ट इज दैट वेदर इट्स जहर और इट्स कलयुग और मुझे मेरा मानना यह था कि हिट म्यूजिक हिट पिक्चर बनाता है बट द फैक्ट इज नाउ आई हैव कम टू रियलाइज दैट अ गुड स्टोरी गिव्स गुड म्यूजिक यू कैन नॉट गेट माई म्यूजिक्स आर नॉट बेस्ड विद 100 डांसर्स डांसिंग एट द बैक It doesn't have stars propagating it. Why does it still do well? It's because I'm making good stories. My songs are all. कहीं ना कहीं कभी कभी मेरे promo वाले मुझे कहते हैं कि you should shoot your songs larger than life. You have such good songs. The fact is, I think my songs do well because they come from the story. Or I've had great stories till now. That's why my music is always going. Why the name Bolam? देखिए बोलमे का आधार ये है कि का अर्थ basically ये है कि हमारी ज़िंदगी में अक्सर लोग आते जाते रहते हैं पीपल वी लव पीपल हु स्टे फॉर अ लाइफ टाइम सम पीपल गो अवे
और वो लम्हे जो हम उनके साथ गुजारते दे स्टे फॉरएवर एंड नो वन कैन टेक दैट अवे फ्रॉम अस. हाउ डू यू कोप विद लॉस ऑफ समबडी इन योर लाइफ, जो लोग आके और जो चले जाते हैं हमारे, हाउ डू यू कोप विद द लॉस? वी कैन वी लिव विद दोज मेमोरीज दैट वी हैव दैट पर्सन एंड नो वन कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू एवर. सो वो लम्हे टॉक्स अबाउट दोज मोमेंट्स.